आप देख रहे हैं BHBC News। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि उभरी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की इकोनॉमी 2020 की दूसरी छमाही में जोरदार वापसी कर सकती है। इसके साथ ही यह 2021 के आखिरी महीनों में प्री कोविड स्तर तक पहुंच सकती है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020 को अपडेट करते हुए रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान आर्थिक गतिविधियां बेहद धीमी रहीं। इसके अलावा अगले साल तक वैक्सीन भी आने की उम्मीद नहीं है। एजेंसी ने कहा कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से भारत, इंडोनेशिया और चीन की अर्थव्यवस्था 2020 की दूसरी छमाही में रिकवरी कर सकती है और 2021 के आखिर तक इसमें प्री कोविड लेवल की रफ्तार आ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी ने भारत के ग्रोथ को लेकर अपने आकलन को नहीं बदला है। एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में इकोनॉमी में 3.1% की गिरावट आ सकती है। 2021 में इसमें 6.9% की दर की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। फिलहाल चीन की इकोनॉमी इस समय सबसे तेज बढ़ रही है, 1.2% दिख रही है। इससे पहले 1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। आंकड़ों के मुताबिक कई विकसित देशों के सामानों की मांग में तेजी आ सकती है और खपत में इजाफा हो सकता है। हालांकि कोविड-19 की आशंका से इकोनॉमी में रिकवरी धीमी रह सकती है। मूडीज ने G20 की अर्थव्यवस्था में 4.8% की बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट का अनुमान है। साथ ही मूडीज ने कहा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च बढ़कर ग्रोथ हासिल की जा सकती है। हालांकि इनसे बैंकों की कमजोरी की ओर ध्यान दिलाया गया है। मूडीज ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का बुरा असर एशियाई देशों पर पड़ सकता है। आप देख रहे हैं BHBC News।